हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। सो मैं हूं राजमन और आप देख रहे हैं यूनिक्सवेल एंड मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? आप सबको आज मैं एनालिसिस को इतने डीप में समझाने वाला हूं कि आज के बाद कोई भी एनालिसिस के बारे में आपसे पूछेगा तो आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, चाहे इंटरव्यू हो और चाहे आप कहीं पर अपने फ्रेंड से बात कर रहे होंगे, वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखने के बाद अपना कमेंट और क्वेश्चन, आपसे जो क्वेश्चंस पूछा गया हो कहीं पर या भी जो क्वेश्चंस के डाउट हो, क्वेश्चन जरूर पूछा करो नीचे। तो चलिए ऑपरेशन करते हैं आज एनालिसिस का। दोस्तों, जैसा कि आप सब सुनते हो कि हर जगह की आप एनालिसिस करना है, स्ट्रक्चर एनालिसिस तरह तरह से सुनते हो। एनालिसिस कैसे करते हैं और एनालिसिस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है? तो एनालिसिस को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। कौन कौन से दो पार्ट होंगे? पहला पार्ट है लोड कैलकुलेशन। किसी भी चीज का एनालिसिस करना है, मुझे एनालिसिस करना है कि यार मुझे किसी के यहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो पहले मुझे देखना चाहिए डिस्टेंस, ना लोड कैलकुलेट कर रहे ना कि कितना दूर है। इसी तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर की एनालिसिस करने से पहले पता करो लोड कैलकुलेशन। और लोड कैलकुलेशन के बाद जो दूसरा फैक्टर आता है, इफेक्ट ऑन द एवरी स्ट्रक्चरल मेंबर्स। सब पे क्या इफेक्ट आएगा? अगर मैं यहां से किसी के मैरिज में जाऊंगा तो मेरा जो टाइम जाएगा उसमें क्या क्या इफेक्ट आएगा, कितनी क्लासेस मिस होंगी, ऑफिस मिस होगा, क्या क्या मिस होगा। तो इफेक्ट ऑन ऑल द स्ट्रक्चरल मेंबर्स क्या इफेक्ट आएगा हर एक मेंबर्स पे। और दूसरी चीज, कैलकुलेशन कितना है, लोड कितना है, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो अब मैं ऑपरेशन करने वाला हूं लोड कैलकुलेशन की। लोड कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई? लोड कैलकुलेशन समझने की जरूरत है कि क्या क्या लोड कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट होती है। तो लोड कैलकुलेशन अगर मुझे करना है तो पर्पस ऑफ द स्ट्रक्चर पहले हमको पता होना चाहिए भाई, बना किसके लिए रहे हैं। लोड कैलकुलेट करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि बना किसके लिए रहे हैं। पब्लिक बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, क्या है, क्यों? क्योंकि भाई अगर हमको पता होगा कि अगर ये रेसिडेंशियल है तो उसके हिसाब से हमको पता रहेगा लोड आएगा, क्योंकि आगे उसके लोड कैलकुलेशन बताने वाला उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए दूसरी चीज ये कि हम किस तरीके से उसको यूज करने वाले हैं। पब्लिक बिल्डिंग है मतलब क्या, फ्लाईओवर्स है, ठीक है, ऑडिटोरियम्स है, क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। तो तीन टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और पब्लिक। तो पहले ये क्लियर कर लो कि कौन सी बिल्डिंग्स है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की जरूरत है लोड कैलकुलेशन में, वो है बेयरिंग स्ट्रेस ऑफ सॉइल। बेयरिंग जिसको हम लोग SBC जानते हैं, क्या जानते हैं, SBC, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। अगर हमको नहीं पता है तो आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। क्यों? अगर हमको पता है बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो कॉलम के बीच में डिस्टेंस अगर हम ज्यादा रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अगर हमको पता है कि मेरे अंदर ताकत ज्यादा है तो मैं ज्यादा कामों को कर सकता हूं, मुझे पता है, तो भाई मैं ले सकता हूं ना लोड को। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कई लोगों को इकट्ठा करके तब काम करना पड़ेगा। गॉट इट? तो आपको पहली चीज पब्लिक है कि रेसिडेंशियल है कि कॉमर्शियल है, पर्पस ऑफ द बिल्डिंग समझो। दूसरी चीज समझो कि वहां की सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से कॉलम का साइज डिसाइड करना होता है। अब मान लो कि आपका बेयरिंग स्ट्रेस बहुत कम है, मतलब कि SBC बहुत ही लूज सॉइल है, तो आप क्या करोगे, आपको कॉलम पास पास रखना पड़ेगा। अब कॉलम इतना पास पास अगर हो गया कि 40% ऑफ द सॉइल एरिया अप्रॉक्स कवर हो रहा है, तब आपको आइसोलेटेड फुटिंग नहीं करना पड़ेगा, बहुत कॉस्टली जाएगा आइसोलेटेड और हो भी नहीं पाएगा। क्या करना पड़ेगा, मैट फुटिंग करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज को? जहां समझा रहा हूं वहां तक पहुंचो तो समझ आएगा। अगर कॉलम बहुत पास पास है, 40% ऑफ द एरिया कवर कर रहे हैं कॉलम, तो वहां पर आइसोलेटेड पाइल सब भूल जाओ, वहां पर मैट फुटिंग करना पड़ेगा, ठीक है जी, मैट फुटिंग करना पड़ेगा। वैसे मैंने फाउंडेशन वाला पढ़ लो जाके, फाउंडेशन जो पूरा सीरीज है ये फाउंडेशन वाले उसमें टॉपिक में जाके पढ़ लो, तो मैंने वहां पर बताया हुआ है। चलिए, आपको पता चल गया लोड कैलकुलेशन के अंदर की पर्पस क्या है बिल्डिंग का, आपको पता चल गया कि स्ट्रेंथ क्या है कि वहां के सॉइल की। तीसरा होगा लोड अब एक्चुअल में कैलकुलेशन, ठीक है। लोड कैलकुलेशन में कौन कौन से लोड आ रहे हैं वो समझने की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी लोड। ओके जी, ग्रेविटी लोड क्या है? अरे भाई, आपका डेड लोड और लाइव लोड जो कॉलेज में पढ़ा है, डेड लोड क्या होता है, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। दूसरे आसान भाषा में कहो तो नॉन मूवेबल लोड,
आपका बीम है, कॉलम है, स्लैब है, ये सब क्या है? ये सब मूव थोड़ी हो सकते हैं, घूमेंगे क्या, वॉक करने जाएंगे? नहीं। तो क्या हो गया, ग्रेविटी लोड के अंदर डेड लोड आ गया, ग्रेविटी लोड के अंदर लाइव लोड भी आ गया। अब आपको अगर पर्पस ऑफ द बिल्डिंग पता है तो लाइव लोड निकालना आसान है। क्यों? IS 875 Part 2, ठीक है जी, वहां से पता कर लोगे कि अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसके स्टेयरकेस पे 3 किलोन्यूटन का लोड आएगा, अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उसके स्टेयरकेस पे 5 किलोन्यूटन का लोड आएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसका जो हम लोग लाइव लोड लेंगे वो 2 किलोन्यूटन कंसीडर करेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो उसका 4 किलोन्यूटन कंसीडर करेंगे। तो पर्पस ऑफ द बिल्डिंग, सॉइल स्ट्रेंथ मतलब उसकी एसपीसी क्या है, और तीसरा चीज लोड कैलकुलेशन, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ग्रेविटी लोड। दूसरा है विंड लोड। अगर आपको विंड लोड नहीं पता है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो विंड लोड को मैं वैसे तो मैं विंड लोड पे अलग टॉपिक पर पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, इसी अपने 100 सीरीज में ही है, विंड पे भी है और अर्थक्वेक पे भी है, तो पहले थोड़ा सा बात कर लेता हूँ विंड पे। विंड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, विंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क कोफिशियंट। कितने साल के लिए डिजाइन कर रहे हो बिल्डिंग को जानना जरूरी है ना, तो उसके बेस पे आपको रिस्क कोफिशियंट देखना पड़ेगा। IS 875 Part 3 में जाके पढ़ लो अगर आपको अभी पढ़ना है तो। उसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि टोपोग्राफी फैक्टर, बिल्डिंग कहां पर है, कैसे है बिल्डिंग, ये समझने की जरूरत पड़ेगी, तो टोपोग्राफी फैक्टर। और तीसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत होती है बिल्डिंग की हाइट। अगर बिल्डिंग की हाइट कम है, तो उस पर विंड का इफेक्ट बहुत कम आएगा, बिल्डिंग की हाइट ज्यादा है तो विंड का इफेक्ट बहुत ज्यादा जाएगा। तो आपको बिल्डिंग की हाइट पता होना चाहिए, जिसके लिए मैंने वैसे पहले तो जो अपना स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन में मैंने बताया था कि VB K1 K2 K3 कैलकुलेट करना पड़ता है। VB क्या है, क्या बोलते हैं आपका विंड प्रेशर कितना आ रहा है, मतलब बेसिक विंड स्पीड जिसको बोलते हैं। जैसे कि मैं पुणे में अभी हूं तो पुणे का कितना है 39 मीटर पर सेकेंड। K1 क्या है, K2 क्या है, K3 क्या है, सब बताया मैंने। K1 है रिस्क कोएफिशिएंट, K2 क्या है टोपो, सॉरी K2 आपका टेरिंग कैटेगरी, K3 क्या है आपका दैट इज टोपोग्राफी फैक्टर्स। तो ये कैलकुलेट करते हैं और इसका आगे पूरा वीडियो बनाऊंगा, अभी इसमें हम केवल एनालिसिस की बातें करेंगे। तो पहला एनालिसिस में जो लोड है, लोड में पहली चीज आ गई ग्रेविटी और दूसरी चीज क्या आ गई विंड लोड। तीसरी चीज क्या आएगी, तीसरी चीज आएगी उसकी अर्थक्वेक एनालिसिस, मींस सेस्मिक एनालिसिस। सेस्मिक एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपका बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग कौन से जोन में है, इंडिया में कितने जोन है। तो इंडिया में 4 जोन है, कौन कौन से, Zone 2, 3, 4, 5। इस जोन को हल्के में मत लेना, आपको थोड़ा सा रीजन बता देता हूं। Zone 2, 3, 4, 5, Zone 2 सबसे ज्यादा सेफ है और Zone 5 सबसे ज्यादा डेंजर है। और आपको पता है इसको रेक्टर स्केल से नापते हैं, आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि यहां पर अर्थक्वेक आ गया, 6 रेक्टर का आ गया, 7 रेक्टर का आ गया। आपको लगता होगा 6 रेक्टर मतलब ओके, 7 रेक्टर मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वो नहीं, फैक्टर आपको बताऊंगा तो आप हिल जाओगे। जो हमारा है अर्थक्वेक का रेक्टर और उसके बाद 7 है, तो 6 और 7 का जो पावर है, 6 से 7 वाला 10 times ज्यादा होता है, और 7 और 8 में जो डिफरेंस है, 7 से 8, 7 से 10 times ज्यादा होता है 8, समझ रहे हो। अब अर्थक्वेक को हल्के में मत लेना, क्यों, क्योंकि अर्थक्वेक में जो आप रेक्टर स्केल से अर्थक्वेक को चेक करते हो ना कि रेक्टर कितना रेक्टर अर्थक्वेक आया, ठीक है, आपको लगता है 6, आपको लगता है 7, क्या डिफरेंस पड़ता है 6 और 7 में, भैया बता देता हूं। 6 रेक्टर का अर्थक्वेक आ रहा है और 7 रेक्टर का, तो उसमें दोनों में डिफरेंस होता है 10 times ज्यादा प्रेशर का, 10 times ज्यादा, मतलब 6 से 7 10 times ज्यादा होता है, 7 से 8 10 times होता है, मतलब अगर 8 रेक्टर का आ गया तो 10 times ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, हिल जाएंगे हम लोग, समझ रहे हैं। और 6 और 8 को कंपेयर करोगे तो फिर तो 20 times ज्यादा प्रेशर होगा 6 से 8 में, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है अर्थक्वेक। तो इसलिए जोन आपको सही तरीके से चूज करना है कि आप किस जोन में हो, जोन के लिए आप IS 189/3/2016 को प्रीफर करो, उसमें जोन दिया हुआ है वहां से उसको डालना चाहिए। तो पहला मेंबर क्या था हमारा, लोड कैलकुलेशन, तो ये आपका क्या होगा सारा का सारा लोड कैलकुलेशन। दूसरा क्या होता है, इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चरल मेंबर्स, एवरी स्ट्रक्चर मेंबर्स, सब पे क्या क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इफेक्ट जो होता है वो आपकी इफेक्ट डिवाइड होता है किसमें, एक्सियल स्ट्रेस, किसमें, एक्सियल स्ट्रेस। अच्छा जी हाँ, एक्सियल स्ट्रेस तो बहुत जरूरी है क्योंकि कॉलम पे तो एक्सियल स्ट्रेस ही सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है जी। उसके साथ आपका क्या आता है, शियर स्ट्रेस,
ओके जी, टॉर्जनल स्ट्रेस, ओके जी, बेंडिंग स्ट्रेस, हाँ जी, इन सबको चेक करना पड़ता है। टॉर्जनल स्ट्रेस क्या है, ये भी एक बेंडिंग का प्रोसेस है, और क्या बोलते हैं सीयर भी क्या है, सीयर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग सीयर और सीयर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्जन्स, तो ये दो उसी के ही पार्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आपके सबके सब स्ट्रेस आ गए। स्ट्रेंथ में क्या होता है, जो सर्विसबिलिटी देते हो, ये सब क्या थे, ये सब मालिक इसमें स्ट्रेस में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर्विसबिलिटी जब देता है तो उसमें क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है, मतलब स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, जिसने सॉन्ग पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा उसको क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा ज्यादा है बट समझाने की कोशिश करता हूँ। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, क्रैकिंग क्राइटेरिया, ये सब क्या है, ये सब स्ट्रेन है, मतलब ये लिमिट सेट ऑफ सर्विसबिलिटी में आते हैं ये सारी चीजें। तो आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन भी समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा कि क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, एक्सियल बेंडिंग सीयर टॉर्जन, और उसके साथ ही साथ स्ट्रेन में आपको चेक करना पड़ता है डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग्स। ये सारे क्रैक्स अगर आपने कर लिए, और सॉरी ये सारे चेक्स आपने अगर कर लिए, और अगर आपको ये सारे लोडों का इंफॉर्मेशन है, तो आप प्रॉपर एनालिसिस कर चुके हैं, यहां पर एनालिसिस आपकी कंप्लीट हो जाती है, सारे चेक्स और ये सारे लोड्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आप एनालिसिस में डन। अच्छा जी, एनालिसिस हो गया, फिर क्या करना है, फिर करना है डिजाइन। तो मैं भी वो जो सीरियल में एपिसोड में आता है ना कि देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो नेक्स्ट एपिसोड जो है हमारा वो है डिजाइन, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, पूरा का पूरा एनालिसिस समझ आया कि नहीं, अगर नहीं आया एक बार वीडियो को फिर से देख लो, एक बार नहीं आया दो बार में देख लो, क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये पूरा मतलब एक्चुअली इसमें है कि अभी एक्सियल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस ये सारी चीजें के बीच में भी जा सकते हैं, बट अभी हमें एनालिसिस पर फोकस किया था। एनालिसिस समझ आ गया होगा कि लोड कैलकुलेशन और स्ट्रक्चरल मेंबर्स पे इफेक्ट्स, यही दो मिलके ही हमारे क्या होते हैं, एनालिसिस को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है जी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो मोटिवेट करिए हमें, और साथ ही साथ आप स्ट्रक्चर के इंटरव्यू में गए थे, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे जो पूछा गया था यहाँ नीचे कमेंट कर दो। क्यों कहते हैं ना, दूसरों का भला करोगे तो आपका होगा, आप कमेंट करोगे तो मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन को, फिर उसका आंसर मैं करूंगा, तो दूसरों का भला होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।